जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ कान्हा की नगरी मथुरा। जी हाँ, हम लोग जब भी कभी किसी काम से आगरा अपने नेटिव प्लेस आते हैं तो हम आसपास में कहीं ना कहीं जाते हैं। इससे पहले भी मैं आपको बरसाना और प्रेम मंदिर, वैष्णो माता का मंदिर के दिखा चुकी हूँ। तो आज हम चल रहे हैं सीधे ही कान्हा की जन्मभूमि। पर फ्रेंड, वहाँ जाके मुझे एक बात की निराशा हुई, क्योंकि दरवाजे पर ही, मतलब मेन गेट पे ही हम लोगों के मोबाइल जमा कर लिए गए, तो हम कुछ शूट ही नहीं कर पाए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बाहर का दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वहाँ पोतरा घाट है, इसके सामने ही जो जेल बनी हुई है, जो कंस के टाइम की थी। हालांकि अब इसका बहुत कुछ चेंज कर दिया गया है। अंदर का तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ आपको, क्योंकि मोबाइल हमारे पास था ही नहीं। अंदर का हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए। ये देखिए द्वार है, और मैं जेल का सिर्फ बाहरी लुक आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये लोहे के चारों तरफ लगे हुए हैं और बहुत पतला सा गलियारा है, जिसमें सारे लोग, हम सब लोग राधे राधे करके आगे बढ़ते जा रहे थे। अब कान्हा की मनमोहक छवि तो एक बार देख ही लीजिए। अब हम जहाँ जहाँ भी जाएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो जरा प्रेम से बोलते हैं राधे राधे। चलिए फ्रेंड, हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने एक ई रिक्शा अपने सारे दिन के लिए बुक कर लिया था। ये मनीष है, यही हमारे साथ रहा था, क्योंकि ट्रैवलिंग बस वगैरह जो थी वो समझ ही नहीं आ रही थी। अब ये स्टेशन से हमें होटल तक पहुंचाया था इसने, तो हमने इसी को कर लिया। तो चलते हैं, और आप भी हमारे साथ चलिए। सबसे पहले हम जा रहे हैं नंद बाबा के घर, यानी कि जहां कान्हा का, मतलब जेल से आने के बाद वासुदेव उनको छोड़ गए थे। तो वहां पर ये हमने गाइड भी किया ताकि हमें पता चल जाए वो छोटी छोटी सी बातें, मंदिर वगैरह ये सब देख के बहुत दिल को अच्छा लगता है। ये हम चल रहे हैं, रास्ते में बहुत सारी मिली थी बंदर वगैरह, ये हमें वहाँ के बारे में डिटेल बता रहे हैं। ये देखिए नंद बाबा का घर, गोकुल वाला। ये बीच बीच में बाजार वगैरह है, पड़ रहा है। यहाँ पर भी बीच में मंदिर ये वगैरह बने हुए हैं, वहाँ भी हम लोग गए थे दर्शन बाहर से कर करके। पर वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, हमने प्रवेश कर लिया है अंदर, आप देख रहे हैं अंदर। यहाँ बाहर ऐसे झंडे से लगे हुए हैं, ये फर्श बना हुआ है, चारों तरफ ये थोड़ी बहुत शॉप्स वगैरह भी हैं, प्रसाद वगैरह की, चुनरी वगैरह की। ये देखिए कितनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी फ्रेंड, क्योंकि उसी समय द्वार खुले हुए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सब जगह भगवान का, और यहाँ पर हमें नंद बाबा भी और माता यशोदा, योग माया, यहाँ पे ये मैंने चुपचाप से क्लिक किया था। यहाँ पर लेने, ये सामने जो है ये नंद बाबा यशोदा मैया की मूर्ति है, और कान्हा का बाल रूप, यानी कि मतलब उनको हम लोगों ने झूला झूला। ये योग माया है जो संतान को बदला गया था, मतलब यशोदा मैया के हुई थी कंसर्न उनका, उसका विवरण हमें सारी ये गाइड बताते जा रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ था। लेकिन अब ये देखिए हम पहुंच गए हैं, बाहर निकले थे हिरन पार्क। यहाँ पे बहुत सारे हिरण, जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद भरतपुर के राजा ही इनकी देखभाल करते हैं, जो इस समय वर्तमान में वहाँ पे मतलब है। तो मैंने सोचा लाओ आपको भी क्लिप दे। अब हमने मतलब शाम तक के लिए था, तो हम जो जो चीज़ ये थी कि दोपहर हो चुकी थी तो मंदिर के द्वार तो बंद हो चुके थे, तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें थी वो हमने मतलब देख पाए थे हम लोग, और हमें टाइम भी करना था, क्योंकि अब दोबारा जो पट खुलते हैं मंदिरों के वो 4 बजे खुलते हैं, 12 से 4 तक बंद रहते हैं। तो हम लोग ऐसी जगह गए थे जहाँ पर कि हमारा टाइम भी पास हो जाए और थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाए। अब बजने वाले हैं लगभग 2, तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ी बहुत पेट पूजा करी जाए। ये देखिए, ये वहीं के यमुना के घाट वगैरह हैं, सुंदर सुंदर। यहाँ पे कृष्ण भगवान अब यहीं अपनी गाय वाय चराने के लिए आते थे, लीला करते थे इसमें, ये वही सारी जगह हैं। बहुत सुंदर है फ्रेंड, बहुत सुंदर। आप जाइएगा ज़रूर, अगर आप मथुरा की तरफ जाएं तो ये जो जितने भी वहाँ पे मंदिर हैं, ये रमण रीति है, ये सब जगह आप ज़रूर जाइएगा। ये देखिए वहाँ पे ये रमण रीति कही है,
वहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर भगवान की सारी जो थी मतलब घटनाएं थी उनको इस तरह पेंटिंग के रूप में उभारा गया है, जो बहुत अच्छा लग रहा था। ये भी नंदगांव का ही है, ये पूरे विवरण बताते जा रहे हैं हमें कि बकासुर का वध किया, यहाँ वध किया, यहाँ पे उखल का वध से बांधा था माता ने मतलब यशोदा मैया ने। ये देखिए ये नंद बाबा का घर है पूरा, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कान्हा की छठी पूजी गई थी यहाँ पे, तो आप देख ही रहे हैं सतिया वगैरह बन रहा है गोबर से। हम लोग में छठी ऐसी ही तो पूजी जाती है, तो इस तरह का पूरा बना। ये देखिए पूरा मैं आपको नंद बाबा का यानी कि कृष्ण भगवान का बचपन जहाँ बीता था वो घर आप भी देख लीजिए फ्रेंड। जितना मैं दिखा सकती हूँ आपको वो पूरा का पूरा, ये शेषनाग जी हैं, इनकी परिक्रमा की जाती है। ये देखिए दो मंजिल भवन है बाबा नंद जी का। उस समय फ्रेंड्स मैं आपको बता नहीं सकती, इतना अच्छा फील हो रहा था कि यहीं पर भगवान कृष्ण अपने फ्रेंड्स के संग जो भी गोप गोपालों के संग खेला करते थे, मक्खन चुराया करते थे। अब हो गया पेट पूजा का टाइम, तो हम लोगों ने मंगाई ये थाली ही होटल, लेकिन काफ़ी बड़ा सा था ये, सर क्या नाम था कुछ ठीक से याद नहीं, लेकिन खाना उतना टेस्टी नहीं लगा फ्रेंड। और ये भी है, ये भी पंडित जी हैं, इन्होंने भी कहा, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा इतने बुजुर्ग बार होके भी इन्होंने कि हमें इतने पैसे दे दो हम तुम्हें कर देंगे और कुछ नहीं, बस राधा रानी की जय बोल के अपने रास्ते चलते बने। अरे अगर ऐसे ही कहते तब भी। अब हम ये राधा रमण रीति का मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है और मंदिर भी है ये। यहाँ पे ये देखिए भजन कीर्तन वगैरह चलते रहते हैं हर समय, वही मतलब 4 बजे पट खुला है तो एकदम से भीड़ हुई है। ये देखिए सुंदर सुंदर से पोस्टर बने हुए हैं, बहुत सुंदर मतलब मूर्तियाँ टाइप से बना हुआ है, बहुत अच्छा। इसमें यह है कि आधी धूप आधी छाया भी हो रही थी, दोनों तरफ वृक्ष लगे हुए थे। और ये देखिए संतों के नाम पर कुटिया बनी है, इसमें ही संत लोग रहते हैं जो हमारे पुराने महान ऋषि मुनि थे, सप्त ऋषि वगैरह, उन सब के नाम पर एक 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 ये सुंदर सी कॉटेज बनी हुई है, बहुत अच्छी लग रही थी फ्रेंड्स। अब ये हम लोग आ गए पीछे जहाँ पे सब तरफ रेत पीछी है, यहाँ पे भी ये अपने सारे जो भी दोस्त थे गोल गोपियाँ गोपाल वगैरह जो थे, जब चराने के बाद यही रेत में लोटम फ्लोट लगाते थे, मतलब बच्चे जो शरारत करते हैं, तो आज भी जनमानस वहाँ जाता है ना तो वहाँ रेत में अपने बच्चों को करता है और खुद भी वो लोटम लोट लगाते हैं। मैं फर्स्ट ही टाइम आई थी यहाँ पे, इत्तेफाक से जब भी आई हूँ मथुरा तो हम लोग कई बार आते हैं तो उसमें, लेकिन ये कि बंद मिलता था, इस बार ये ओपन मिला है। देखिए दीपाली है, इसकी मम्मी पापा, तो फिर मैंने इनको भी ले लिया। बच्चा बड़ा खुश हो रहा है क्योंकि आज तो मम्मी की तरफ से ही परमिशन है रेत में वो करने की। सब लोग अपने बच्चों को रेत में लग इस तरह कर रहे थे, खुद भी अपने यहाँ पे बना रहे थे। थोड़ी सी उसे शर्म आने लगी, आप देख रहे हैं, ये इसकी बहन है, अब इसे भी करेंगे। फिर मैंने भी वहाँ पर ये शिवलिंग बनाए रेत के ही और गणेश जी बनाए, माता बनाई, जितना भी मतलब बन पाया थोड़ा बहुत वैसा मैंने किया इसमें। रेत क्योंकि हल्की सी गीली सी रहती है तो बड़ी इजीली बन जा रहे थे। कहते हैं यहाँ पे आपकी हर मनोती जो भी आप मांगे सच्चे मन से वो जो है और ईश्वर को समर्पित है पूरी होती है। मैंने तो खैर कल्याण के लिए ही कहा कि सबको सुख शांति मिले, कल्याण हो, यही है इस समय की सबसे ज़्यादा देखा जाए समाज को यही ज़रूरत है। तो मेरा यही कहना है कि आपको एक बार तो मथुरा
जरूर ही भ्रमण करने जाना चाहिए आपको। कान्हा की नगरी में जाने के बाद बिल्कुल ऐसा लगेगा, मतलब बहुत आनंद महसूस होता है उन सब दीवारों को उस जगह पे जाके कि बचपन में कान्हा यहाँ खेला करते थे। तो एक बहुत स्वीट थी, बहुत प्यारी थी मेमोरी के साथ। अब हम वापस आएंगे अपने यहाँ, हम लोग की कल सवेरे की ट्रेन है, हम वापस पुणे जाएंगे इस वक्त। ट्रेन में तो ये मैं भी थोड़ी देर के लिए लेटी हूँ उसमें। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आशा है आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि कान्हा की नगरी का एक एक चीज़ मैंने कोशिश की है मैं आपको दिखाऊँ। वहाँ जाके मतलब ऐसा रमने का मन कर रहा था कि मैं बता नहीं सकती। देखिए यहाँ जयकारे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।